अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम बांटने लगे थे चनों वाले चावल, क्योंकि सफ़र का महीना है तो हमने सोचा कुछ बांट देते हैं। पाकिस्तान में देखे काले चने बांटते हैं सफ़र के महीने में, स्पेशली कहते हैं, तो हम लोगों ने काले चने तो नहीं बांटे, तो हमने सोचा चलो चने वाले चावल बांट देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब लोग अलग अलग एरिया से रहते हैं, जैसे हमारे पास जो ज़्यादातर लोग रहते हैं जिन्हें हम जानते हैं वो सारे गुजरात मंडी भाउद्दीन इस एरिया से ताल्लुक रखते हैं। तो हमने सोचा पता नहीं वो लोग इस चीज़ को अच्छा समझें कि नहीं, कि वो लोग वहाँ पर बांटते हैं कि नहीं। किसी का थोड़ा ना पता होता है कि कौन क्या करता है अपने रसूमात के हिसाब से, तो हमने सोचा चलो चने वाले चावल ही बांट देते हैं हम लोग। तो बस फिर राइस बन गए थे, मैंने उसे थोड़ा सा ठंडा किया था कि उसको भाप ना आए, लेकिन फिर भी जब मैंने उसके ऊपर उनके कैप दे दिए तो भी इनके ऊपर भाप हल्की हल्की सी आई गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। सारे डिब्बे रेडी हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना लंच किया। लंच करने के बाद हम बाहर गए, सब में उनके जो भी बॉक्सेस थे वो दे दिए उन लोगों को। उसके बाद हमने सोचा आज हमने सेंटर में नहीं बैठना, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, तो हमने सोचा चलो घूमते हैं। तो बस फिर हम ऐसे ही रूस की सैर करने लगे, और अभी शॉप्स खुली हुई थी और हमने सोचा दो चार शॉप्स भी विज़िट कर लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। ये देखिए अभी भी सेलें लगी हुई हैं 50% डिस्काउंट पर, कहीं पर 70% डिस्काउंट पर। तो हम लोग फिर ऐसे दुकानों में, कई दुकानें बंद भी हो गई थी कई खुली हुई थी, क्योंकि हर दुकान का अपना मोस्टली यहाँ पर 9:30 बजे आजकल जो सुपरमार्केट है वो बंद होती हैं, जो दूसरी हैं वो 8:30 कोई और कोई 9 बजे बंद हो जाती है। तो इब्राहिम हमारे साथ था और ये अपनी मस्तियों में लगा हुआ था, राम राम से आ रहा था और अपने वो सारे झूले और ये वो करतब करते हुए उसने हमारे साथ आना था। तो बस हम इसको थोड़ी देर देखते रहे थे, थोड़ा हम घूम फिर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि आज मौसम वाकई में बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ था, ठंडा हुआ हुआ था। और नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग, आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने के लिए, तो मैंने अपने लिए एक अदद पराठा बनाया, साथ में ऑमलेट लिया था और अपी ने मसल निकाले हुए थे, 2-4 दिन पहले हमने बनाए थे, वो भी थोड़े से बचे हुए थे, वो कहते थोड़े मैं खाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से मैं भी ले लेती हूँ, किसी तरह ये ख़त्म हो जाए वरना सालन बच जाए और फ्रिज में पड़ा रहे ना तो कोई भी नहीं खाता, हमारे घर तो ऐसे ही होता है, बहुत मुश्किल से वो ख़त्म होते हैं, तो आपी बेचारी खा खा कर ख़त्म करती हैं, या फिर बीच में मैं एक आधा चम्मच ले लेती हूँ कि लाइन मैं खा लेती हूँ साथ में तो ये ख़त्म हो जाए। तो बस फिर मैंने थोड़े से मसर लिए थे, ऑमलेट लिया था, साथ में आपी ने लस्सी बनाई थी, और अब हम अपना नाश्ता इंजॉय करने लगे थे। और क्योंकि मौसम ज़रा थोड़ा ठंडा ठंडा था, मेरा दिल कर रहा था चाय बनाने को, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो चाय छोड़ो लस्सी ही इंजॉय करते हैं। इब्राहिम अपनी मस्तियों में लगा हुआ था, उसके गाने चल रहे थे टीवी पर। उसके बाद फिर हम लोग गए बाहर, नाश्ता हमने कर लिया था और हम लोग चले गए माशा घूमने के लिए, जो लोकल मार्केट थी। मौसम बहुत अच्छा था मैंने आपको बताया आज, तो मैंने सोचा चलो बाहर घूम कर आते हैं। वैसे हमारा कोई इरादा नहीं था कुछ भी ख़रीदने का, तो मैंने सोचा वैसे घूम कर आते हैं कि क्या लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है माशा, हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं पैदल। तो हमने सोचा चलो थोड़ा घूमते हैं, भाभी आज हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ से पता था इब्राहिम हमारे पास था घर, तो उसको भी कारों में डाला और हम लोग निकल आए। हमने कहा चलो, कभी कभी ऐसा होता है आप वैसे जब जाते हैं ना ऐसे देखने कोई स्पेशल नई चीज़ें लेने जाते हैं तब आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, और कई मतलब ऐसा होता है जब आप स्पेशल उस जगह पर जाते हैं कि हमने ये चीज़ लेकर आनी है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, हमारे साथ मोस्टली ऐसा होता है। आप बताएं आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप वो मार्केट स्पेशल जब कोई चीज़ लेने जाएँ तो मिलती नहीं है, और जब आप वैसे ही चले जाएँ तो सामने पड़ी हुई होती है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। और फिर ये जूते लगे हुए थे यहाँ पर 5-5 के, इतने अच्छे लगे हुए थे ना, लेकिन हम लोगों ने इस मत पर बहुत जूते ख़रीद लिए हैं, तो मैंने आप इसे कहा निकलो इस शॉप से, हमने नहीं इस शॉप पर खड़े होना, और हमारा किसी जूते पर दिल ला गया ना तो हमें लेना पड़ जाएगा, तो लेकिन इसलिए मैंने लिया ही नहीं क्योंकि हमने वाकई इस मत पर बहुत जूते ख़रीदे हैं मरकाल से, फिर हमने इन साइड से जूते ख़रीदे हैं, तो इसलिए अब मेरा कोई इरादा नहीं था कोई भी शूज़ खरीदने के लिए। इनके पास अच्छे सैंडल्स भी लगे हुए थे और चप्पलें भी अच्छी लगी थी और प्राइस भी बहुत अच्छे थे, 5 यूरो, मतलब अब क्योंकि सीज़न का एंड होने वाला है तो इसलिए उन्होंने इतने कम प्राइजेस लगाए हुए थे। अब सर्दियां आने वाली हैं यहाँ पर, नेक्स्ट मंथ से मौसम बहुत चेंज हो जाना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो अनस्टिच कपड़े हैं वो देख लेते हैं वहाँ पर क्या लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोन का कोई सूट नहीं लगा हुआ था, सारे सर्दियों वाले थे, मैंने आपको बताया नहीं अब मौसम चेंज हो गया तो ये सारे सिल्क के कपड़े लेकर आया था, या एक वो बनैनी वाला स्टाफ नहीं होता वो वाला था, इस आदमी के पास जो लेसी होती है ना वो बहुत कम कलर्स में होती हैं, मतलब आपके सूटों के साथ नहीं मैच
बच जाती है, लेकिन ये सारी जितनी भी लेसें पड़ी हुई ना, एक जोड़ की एक मीटर देता है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। वरना यहाँ पर स्पेन में आप जब दुकानों से लेती है ना लेस, बहुत एक्सपेंसिव देती हैं। और कई लेसेज इसकी इतनी खूबसूरत होती हैं, ऑफ वाइट, वाइट और एक क्रीम कलर, ये लेसेस तो इसकी बेइंतहा खूबसूरत होती हैं। इन लोगों ने वो जो हाथ की बनी हुई होती है ना लेसेस, अड्डोबर बनाते हैं, जैसे नाले अड्डोबर बनते हैं, वैसे इन्होंने लेसेस जो अड्डोबर बनती है ना वो लगाई होती हैं। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन होती हैं उनके, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद हम लोग जी आ गए अगले शॉप पर। इस औरत ने और मर्द ने मियाँ बीवी थे सो इतनी खूबसूरत ज्वेलरी लगाई हुई थी ना, गोल्डन कलर में भी थी, पर्ल में भी थी और नगों में भी लगाई हुई थी। और बहुत से लोग यहाँ से बाय कर रहे थे। मैंने मुझे ना एक नेकलेस टाइप ना पसंद आ गया, मैंने इससे पूछा, मैं आप ही को कह रही थी कि ये तकरीबन ना 10 यूरो का होगा, तो वो कहते नहीं कम का ही होगा। जब मैंने उससे पूछा तो कहती 15 मतलब 15 यूरो का। मैंने कहा चलो भागो यहाँ से, हमने नहीं लेना। उसके बाद ये आ गए ये, और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था लंडा, यहाँ का ये लंडा है। ये लोग समझते हैं ये आउटलेट से आए हैं तो इसलिए इतने सस्ते लगाए हुए हैं, लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ये आउटलेट से है। मुझे लगता है ये यूजेबल होते हैं, क्योंकि कई बार तो मुझे इसमें से ना साबुन सर की स्मेल आती है, तो मुझे तो साफ पता चल ऐसा लगता है कि ये लंडे के ही हैं। इन्होंने एक मरतबा यूज़ जो भी लोगों ने यूज़ किए होते हैं ये दोबारा धो कर यहाँ पर बेच रहे होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग खरीद रहे होते हैं इतनी ज़्यादा तादाद में। आप ही और हमारे यहाँ साथ एक पाकिस्तानी और हमें मिल गई थी माशा में, हमारे जानने वाली, वो यहाँ पर ये ज्वेलरी देख रहे थे। ये इतने प्यारे हैं ना, उन्होंने माला लगाई हुई थी और साथ में उन्होंने यहाँ पर एयरिंग्स भी रखे हुए थे। ये सारा 1-1 यूरो में था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे एयरिंग्स वगैरह नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था। मैंने सोचा कुछ ना नेकलेस वगैरह देख लेती हूँ, या माला जो लगी हुई है वो देख लेती हूँ। जो हमारे साथ पाकिस्तानी हमारी फ्रेंड मिली थी, उन्होंने यहाँ से एयरिंग्स लिए 1-1 यूरो में, काफ़ी ज़्यादा। हम लोगों ने यहाँ से माला ली, तो वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊँगी कैसी मिली थी, बहुत ज़बरदस्त थी। बस फिर घर आ गए, घर आकर ये आपी ने सूट सिलाई किया था, उनके पास सिलाई, मेरी आपी जो है ना यहाँ पर स्पेन में कपड़े भी सिलाई करती हैं, मतलब जितने पाकिस्तानी रहते हैं अगर किसी ने कोई सूट सिलाना होता है ना तो वो मेरी आपी से सिला लेता है, क्योंकि मेरी आपी को कपड़े सीने के लिए आती हैं। और यहाँ पर बहुत कम ऐसे दर्जी मिलते हैं जो आपके कपड़े सी कर देते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी और स्पेनिश लोग तो इतने एक्सपेंसिव है, छोटी सी सिलाई लगाने के 2 यूरो मांग लेती हैं, ऐसे ही है यहाँ पर। तो आप ही यहाँ पर वैसे भी कपड़े सिलाई कर देते हैं, तो ये किसी का सूट आया हुआ था उनको सिलाई करने के लिए, तो वो बस वो उनका सूट कंप्लीट हो गया था, तो आप ही ने उसका दुपट्टा जो था ना उसको लेड़ रही थी। और ये था वो नेकलेस जो मैं लेकर आई थी, ये सिल्वर में था और कमरे में क्योंकि मैंने ज़्यादा रोशनी नहीं की थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था, सिल्वर में था और दोनों साइडों पर इसका इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना बना हुआ, दोनों साइडों पर सेम था, आप जिस तरफ से मर्जी पहन सकते थे। और ये लोनों के कपड़ों के साथ तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ज़्यादा जरूरी नहीं बस ये वाला नेकलेस पहना हो, हल्का से टॉपस वगैरह पहने हो ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके अलावा हमने ये एक माला ली थी, ये एंटीक में लगी थी गोल्डन, और बहुत खूबसूरत ये भी लग रही थी, ये भी मैंने घर आकर पहनकर बाजी को दिखा रही थी, देखो कितना खूबसूरत लग रही है ना मुझ पर। और बस फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच की तैयारियां शुरू की, और लंच में आज हम लोगों ने पता नहीं क्या बना रही थी बाजी, मैंने उन्हें कहा कि ऐसे करती हूँ मैं साथ में ना कटलेट्स बनाती हूँ खाने के लिए। आप ही कहती हैं हाँ तुम्हारा चस्का तो ख़त्म ही नहीं होता, तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं फिर क्या हुआ हम लोग साथ में कुछ खा लेंगे। तो बस फिर मैंने ये कटलेट्स जो है ना ये फ्राई करने शुरू कर दिए, मैंने आलू बॉयल कर रख लिए और उसके बाद उसमें चिकन सारे मसाले डालकर इनके कटलेट्स बनाकर क्रम्स अंडा लगा कर रख दिया था, और अब मैं इनको फ्राई कर रही थी और साथ साथ मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैं कह रही थी जल्दी से सबके लिए फ्राई हो जाए ताकि सब लोग टाइम पर लंच में ये खा लें, और उसके बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे घूमने फिरने ताकि ये हज़म भी हो जाए। तो बस ये हमारे थोड़े से फ्राई हो गए थे, ये लास्ट था क्योंकि कुछ लोग खा चुके थे, कुछ लोग रह गए थे, जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगी थी वो उठा कर ले गए थे खाने के लिए, और जो रह गए थे वो ये वाले थे, मतलब खा ही लिए थे बीच बीच में कई लोगों ने, जिन लोगों को भूख लगी थी वो उठा कर ले कर जा चुके थे। ये बहुत मज़ेदार बनती है, झटपट वाली रेसिपी है, मैं तो अक्सर बना लेती होती हूँ घर में, जब भी स्पेशली हमारे घर कोई दाल वगैरह बनी हो या चावल वगैरह बने हो ना उनके साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो तब तो लाजमी ये बने जाते हैं। या रात के टाइम अचानक मुझे ऐसा लगे कि कुछ
खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो कम है, तो उसमें ये लाजमी हो जाता है क्योंकि ये फटाफट बन जाते हैं। बस फिर वो हम लोगों ने खाया पिया, एंजॉय किया, टीवी देखा। उसके बाद ये रात के तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया, जब मेरा अचानक से दूध सोडा पीने का दिल करने लग गया। तो फिर मैंने अपने लिए जल्दी जल्दी से तुक मलंगियाँ भिगोई, जब तक मैंने किचन साफ़ किया ये हो गई थी, तो मैंने इसमें दूध वगैरह डालकर अपना दूध सोडा बना लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।